हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ अफोर्डेबल लिप बाम। ये सारे लिप बाम अंडर 200 हैं, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये सारे लिप बाम्स मैंने काफ़ी अफोर्डेबल कैटेगरी से सिलेक्ट किए हैं, देख सकते हैं आप। और मैंने यहाँ पर इसे क्यों इंक्लूड किया है मैं वो भी आपको बताऊँगी। तो चलिए मैं बारी बारी से इन सभी लिप बाम्स के बारे में आपको बता देती हूँ, और ये भी बता दूँगी कि कौन सा लिप बाम कौन से लिप्स के लिए अच्छा रहेगा और सुटेबल रहेगा। तो आप अपने अकॉर्डिंग इन लिप बाम्स में से अपनी पसंद का कोई भी लिप बाम परचेज कर सकते हैं। तो सबसे पहले सबसे कम बजट से शुरू करते हैं। यहाँ देख सकते हैं आप, मैंने बोरोलिन को भी लिप बाम में इंक्लूड किया है, क्योंकि जब बहुत ही सर्दियाँ पड़ती हैं तो यकीन मानिए कोई भी लिप बाम फटे होठों पर असर नहीं करता है जितना कि बोरोलिन करता है, तो इसलिए मैंने इसे भी इंक्लूड किया है। मुझे तो सबसे अच्छा यही लगता है, क्योंकि ये एक ही दिन में आपको असर दिखना इससे शुरू हो जाता है। आपके लिप्स बिल्कुल अच्छे से हील हो जाते हैं इससे। इसका टेक्सचर थोड़ा सा थिक है, मैं आपको दिखा देती हूँ। देख सकते हैं कितना थिक सा टेक्सचर है। और बोरोलिन की स्मेल आप सभी को पता है कितनी अच्छी होती है। तो अगर सुपर ड्राई लिप्स हैं आपके, तो ये वाला एज अ लिप बाम बोरोलिन आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। नेक्स्ट है ये वादी हर्बल्स का लिप बाम। ये तो आप सभी के पास होगा ही। इसका प्राइस मुझे याद नहीं आ रहा है, बट ये काफ़ी अफोर्डेबल है। और इसका टेक्सचर मैं आपको दिखा देती हूँ। इसका टेक्सचर एकदम थिन सा है, एकदम लिप्स पे पता नहीं चलता है। अगर आपको कोई भी लिपस्टिक अप्लाई करनी है, खासकर लिक्विड लिपस्टिक, तो उससे पहले आप इसे अप्लाई कर लीजिए। बहुत ही अच्छा वाला लिप बाम है, आपके पास ज़रूर होना चाहिए। और स्मेल इसकी माइंड ब्लोइंग है, एकदम फ्रूटी सी स्मेल है, तो ये वाला लिप बाम आपके पास ज़रूर होना चाहिए। एक चीज़ मैं और मेंशन करना चाहूँगी, ये क्लियर लिप बाम है, इसमें कोई भी कलर नहीं आएगा लिप्स पे आपके। ये वाला एक बार आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए, बेस्ट वाला लिप बाम है। उसके बाद है ये बायोटिक का लिप बाम, और ये मेरा फेवरेट लिप बाम है। ये है बायोटिक का बायो फ्रूट वाइटनिंग लिप बाम। बहुत अच्छा लिप बाम है, हल्का सा टिंट आता है, स्मेल तो लाजवाब है इसकी। आप देख सकते हैं 175 रुपीज़ इसका प्राइस है, बट हमेशा ये आपको थोड़े बहुत डिस्काउंट पे मिल जाएगा, आप चेक कर लीजिएगा। देख सकते हैं आप कितना अच्छा कलर है, एकदम बढ़िया वाली स्मेल है। इसकी भी स्मेल कुछ कुछ फ्रूटी टाइप की है, काफ़ी अच्छी वाली स्मेल है इसकी। हल्का सा टिंट देता है लिप्स को। और हाँ, जैसा कि यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है वाइटनिंग लिप बाम, जी हाँ, ये आपके लिप्स के कलर को भी कुछ हद तक लाइट कर देता है। मैं तो इसे पिछले एक साल से यूज़ कर रही हूँ, काफ़ी अच्छा लिप बाम है, गर्मियाँ हो या सर्दियाँ दोनों में चल जाता है, लिप्स पे बिल्कुल भी भारी नहीं लगता है। तो ये अच्छा वाला लिप बाम है, इसे भी आपको एक बार ज़रूर ट्राई करना चाहिए। अगर आप कोई अच्छा वाला लिप बाम यूज़ करना चाहते हैं तो ये बेस्ट रहेगा आपके लिए। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि इसमें कोई भी हार्मफुल केमिकल्स नहीं यूज़ किए गए हैं, तो लिप्स के लिए बहुत ही अच्छा है ये। तो एक बार इसे मेरी रिकमेंडेशन पर ज़रूर ट्राई कीजिए, आप भी इसके फ़ैन हो जाएंगे। फिर है मेरे पास ये निविया का सॉफ्ट रोज़ वाला लिप बाम, और ये मुझे आई थिंक 149 रुपीज़ में मिल गया था। और मैं आपको दिखा देती हूँ, और ये रिट्रैक्टेबल ट्यूब में आता है कुछ इस तरीके का। या मैं एक चीज़ आपको बता देना चाहती हूँ कि लिप्स पर अप्लाई करने के बाद ये बहुत ही वियर्ड दिखता है, तो निविया का ये वाला, खासकर जो रोज़ वाला है, इसे आप बिल्कुल भी ट्राई मत कीजिए। लिप्स पर भारी नहीं लगता है, बट ये इसका कलर बहुत वियर्ड सा आता है, बिल्कुल वाइट वाइट। तो इस वाले लिप बाम को आप ट्राई मत कीजिएगा, मेरे पास था तो मुझे लगा कि मुझे आप लोगों को बता देना चाहिए। तो निविया का ये वाला ट्राई मत कीजिएगा, बाकी इसके जो भी आते हैं वो सब अच्छे हैं, उसको ट्राई कर लीजिएगा। फिर है मेरे पास ये मैबलिन का लिप बाम। ये तो मैं क्या बताऊँ, इतना अच्छा कलर आता है इसका, बहुत ही बढ़िया कलर, जैसे लगता है आपने कोई लिपस्टिक अप्लाई की हुई हो विंटर्स के लिए, तो बिल्कुल परफेक्ट है ये। तो ये वाला आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए विंटर्स के लिए, एकदम परफेक्ट है। फटे होठ हैं अगर आपके, तो होठों को बहुत जल्दी हील कर देगा, क्योंकि इसका टेक्सचर भी थिक वाला है और जल्दी आपके होठों से ये नहीं हटता है। मैं दिखा देती हूँ आपको इसको,
देख सकते हैं आप कितना डार्क सा कलर है इसका, और लगाने पर लिप्स को बिल्कुल रेड सा कर देता है ये। बहुत ही अच्छा वाला लिप बाम है ये। तो अगर आपको लिपस्टिक लगाना पसंद नहीं है, आप कॉलेज गोइंग गर्ल हैं, तो ये आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। तो ये थे मेरे कुछ अफोर्डेबल लिप बाम, जो कि अफोर्डेबल होने के साथ साथ काफ़ी अच्छे भी हैं। तो इनमें से कोई भी आप ट्राई कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।